जी भाई, तो कैसे हैं आप? ये रेफ्रिजरेशन के लिए यूज हो रहा है ये जो सिस्टम है, जिसमें हम टेम्परेचर माइनस में रखते हैं, क्योंकि उसमें जो फूड है हम उसको स्टोर करते हैं। तो ये एक रेफ्रिजरेशन रूम है, इसका मैंने विजिट किया, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ। ये पूरी सक्शन साइड पे आइस हुई है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है माइनस में है। और ये जो है ये प्लाज्मा टेम्परेचर है। जो प्लाज्मा टेम्परेचर रहता है वो हमारा तकरीबन डिपेंड ऑन टेम्परेचर होता है, लेकिन वो 5, 6, 4, 3 ऐसे रहता है, जिसमें हम जो रेगुलर चीजें हैं वो यूज करते हैं, और जो स्टोर करते हैं वो रेफ्रिजरेशन में रहता है, वो -25, 15 to 25 जो है ना माइनस में वो टेम्परेचर रहता है। ये हमारे पास स्क्रू कंप्रेसर है, ये हमारे पास ये लिक्विड सीवर पड़े हुए हैं, मतलब जो जिसमें ये टैंक है, लिक्विड सीवर के टैंक है, ये इसकी सेफ्टीज और सोलर कॉयल वगैरह है, जिसमें हम उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो इसके बारे में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इसके जो जितना भी रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसके बारे में बात करेंगे, और इसका जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम है उसके बारे में भी जो है ना एक नई वीडियो बनाऊंगा। भी एक छोटा सा क्लिप मैंने बना लिया कि इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। तो ये हमारा प्लस में और माइनस में सर्कट था। अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।